हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? भोले बाबा की कृपा से आप सभी हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज भी आप तक आ रही होगी। आशा, संपा, कल्पना, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। राधे राधे, एक बार सब बच्चे बता दो, आवाज आ रही है ना? एक बार बताने का प्रयास करें, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग नोमिता जी, गुड मॉर्निंग निशा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे निशा जी, राधे राधे सीमा शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग मेरे परम मित्रों, स्वागत आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर फर्स्ट की इस क्लास में मेरे परम मित्रों। और जैसा कि आपको पता है, आज आपका लास्ट डे है, 22 तारीख है, और अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर वन के साथ में कंप्लीट पेपर टू आपको पढ़ने को मिलता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र10। जिन विद्यार्थियों का टारगेट दिसंबर 2022 है या जून 2023 टारगेट लिए हुए हैं, तो 22 जुलाई सबसे अच्छा मौका है। आज लास्ट डेट है आप लोगों की। 20% जो फीस है उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं राजेंद्र10। मेरी प्रोफाइल राजेंद्र शर्मा के नाम से है, आप मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे यहाँ पे प्लस और आइकोनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है उसके लिए आप ये रेफरल कोड राजेंद्र10 यूज करना है कैपिटल अक्षर में। ऑनलाइन पेड कोर्स में अनअकैडमी की ओर से ये सारे बेनिफिट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको सब्सक्रिप्शन में या किसी प्रिपरेशन जर्नी में लेटेस्ट ऑफर में कुछ भी जानना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। पेपर वन के साथ में कंप्लीट पेपर टू एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको पढ़ने को मिलता है, साथ में आपको बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, चॉइस मिल जाएगी। ये टेलीग्राम की लिंक है अपनी राजेंद्र शर्मा अकेडमी यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से, तो इसको फॉलो कर ले। यहाँ पे क्विज होती है, कभी स्वामी क्विज करवाती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में दो मॉडल है, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर मिलता है, जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसएस होता है। बेनिफिट सब ज्यादा आइकोनिक में मिलते हैं, लाइव क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कोर्स शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, जबकि प्लस में आपको मेरे मित्रों टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और कोर्स शेड्यूल कंप्लीट आपको मिलता है। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेज योर गोल में जाना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइकोनिक और प्लस। यदि आपको आइकोनिक लेना है तो आइकोनिक पे क्लिक करना है। अभी 20% का ऑफर चल रहा है, ये ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए रेफरल कोड यूज करना है राजेंद्र10 मेरे दोस्तों, और ये ऑफर आज के लिए है। यदि आपको प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करें, 20% का ऑफर दोनों में मिल रहा है आपको। रेफरल कोड आप कैपिटल अक्षर में राजेंद्र10 यूज करें, मंथ आप इसमें से सेलेक्ट कर लें मेरे दोस्तों। जैसे प्लस क्लास होती है वैसे स्पेशल क्लास भी होती है। स्पेशल क्लास की क्या फीचर्स हैं? ये लाइव चलती है, पोल का सिस्टम आता है, इसमें राइज हैंड का ऑप्शन है, ये क्लास आपकी मिस नहीं होती है, नोट्स भी मिल जाती है, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है। सबको राधे कृष्णा, सबको राधे राधे। माया योगी जी, सुनीता जी, रेनू जी, रोली जी, रोहित जी, आरती जी, पिंकी राजौरिया जी, सबको राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा आपके ऊपर भगवान कृपा करे। सेशन को शेयर जरूर कर देना एक बार सभी भाई बहन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तर्क वाक्य। कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है, निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है? अब यहाँ पे आपको समतुल्य देखना है, ठीक है ना? अगर वाक्य दिया हुआ है, कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है, निम्न में से किस तरह वाक्य के समतुल्य है? ठीक है, सभी इतिहासकार गणितज्ञ हैं, कोई इतिहासकार गणितज्ञ नहीं है, कुछ इतिहासकार गणितज्ञ हैं, कुछ इतिहासकार गणितज्ञ नहीं है, समतुल्य देखना है। कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है,
क्या आंसर हो सकता है, सोच के आंसर करना है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आर्मी गर्ल, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या आंसर होगा, सोच के आंसर करना है। दीप माला जी गुड मॉर्निंग, गीथू जी गुड मॉर्निंग, सब भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। एक बार तो सोच के आंसर नहीं ही करते हो, बस यही तो कमी है आप में। आंसर सोच के कोई करता ही नहीं है, आप बिगर पड़े आंसर करते हो। क्या कह रहा है, कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है। इसका मतलब सभी इतिहासकार गणितज्ञ हैं। अरे भाई ये कह रहे, कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है। इसका मतलब क्या है, सभी इतिहासकार गणितज्ञ हैं। समझ में आया ना, तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ध्यान से देखो, दिए गए तर्क वाक्य कोई इतिहासकार गैर गणितज्ञ नहीं है के आधार पर इतिहासकार गणितज्ञ है जो दिए गए तर्क वाक्य के समतुल्य है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है रहस्यमयी, नैतिक रूप से विवश, उपभोक्ता सचेत, परंपरा केंद्रित। क्या है आज के मीडिया की चर्चा करनी है आपको। आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः है, मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज मेनली, अंग्रेजी देख लेना, टूडे मीडिया सोसाइटी इक्वेशन इज मेनली। क्या है आज के मीडिया, क्या है हमारा आज का मीडिया बताइए। रहस्यमयी है, नैतिक रूप से विवश है, उपभोक्ताओं को सचेत करने वाला है, परंपरा आधारित है। भाई की प्रिंस प्रणाम। बताइए राधे राधे, चंचल साहू जी राधे राधे। सी उपभोक्ता सचेत, बिल्कुल सही है। आज का मीडिया उपभोक्ताओं को सचेत करने वाला है। आज का मीडिया जो है ये उपभोक्ताओं को सचेत करने वाला है। आज का मीडिया समाज मुख्यतः उपभोक्ता सचेत समीकरण की विचारधारा पर कार्य करता है। इसका मतलब है मीडिया अपनी कार्यशैली में उपभोक्ताओं की शैली व पसंद को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करता है। दीर्घकाल व लंबे समय तक बने रहने के लिए उपभोक्ताओं की प्रधानता को स्वीकार करना मीडिया समाज का प्रमुख कार्य है। पढ़ लो इसको आराम से पढ़ लो। अरे आजकल जो भी आपको न्यूज मिलती है मीडिया के अनुसार मिलती है, और मीडिया वो न्यूज प्रसारित करता है जिसको आप लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तर्क में से तर्क की पहचान करें। सीखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे ज्ञान की उत्पादन के लिए ICT का उपयोग। ये वाक्य कैसा है, काल्पनिक अलंकारिक आगमन निगमन, कैसा वाक्य है। बताइए, ये इसमें एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पे ऑप्शन चेंज करके लिख रहा हूं मैं, सादृश्य मूलक। ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने, आंसर होगा। गुड मॉर्निंग रुक्षान कुमारी जी, सिमरन जी गुड मॉर्निंग।
अब इसका सही आंसर आ जाएगा सी, सादृश्य मूलक है ये, ध्यान रखना है सादृश्य मूलक है। देखो सीखने को बढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे ज्ञान के उत्पादन के लिए आईसीटी का उपयोग, ये वाक्य सादृश्य मूलक वाक्य है। ऑप्शन इसको ये टाइप करने थे, गलती से उसने दूसरे टाइप कर दिए हैं, ये ऑप्शन टाइप करने थे उसको ए बी सी और डी, ये ऑप्शन टाइप करने थे ठीक है ना, लेकिन उसने गलती से ऑप्शन टाइप दूसरे कर दिए इसलिए मैंने चेंज कर दिया इसको ठीक है। ऑप्शन उसमें सादृश्य मूलक, ये चार ऑप्शन उसको टाइप करने थे लेकिन उसने गलती से दूसरे ऑप्शन टाइप कर दिए, मिस्टेक कर देता है। चंपू का नाव खेने से वही संबंध है जो पांव का दौड़ने से है, या आपका स्नेकर से है, या स्केटबोर्ड से है, या कूदने से है। स्नेकर आता है ना दौड़ने वाला, तो बताइए चंपू का नाव खेने से वही संबंध है जो पांव का दौड़ने से है, स्नेकर से है, स्केटबोर्ड से है, कूदने से है। गुल अफ्सा गुड मॉर्निंग, बताइए क्या आंसर होगा। बी डी गलत, सब बच्चों का गलत आ रहा है, इसका सही आंसर है सी स्केटबोर्ड से है। अरे चंपू का नाव खेने से वही संबंध है जो पांव का स्केटबोर्ड से है। हाथ से नाव चलाई जाती है तो स्केटबोर्ड पांव से चलाई जाती है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार चंपू के द्वारा नाव को खेया जाता है जिससे वह पानी में गतिमान हो सके, उसी प्रकार का संबंध पांव का स्केटबोर्ड से है। स्केटबोर्ड को दोनों पैरों में बांधकर चिकनी सतह पर बहुत तेजी के साथ दौड़ाया जा सकता है। स्केटबोर्ड एक प्रकार का खेल उपकरण है जिसका उपयोग मुख्यतः स्केटबोर्डिंग के खेल के लिए किया जाता है। आमतौर पर एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए मैपल वुड बोर्ड होते हैं जो चिकनी स्लाइड बनाने और मजबूत स्थायित्व के लिए उपयोग किए जाने वाली पोल्यूरेशन कोटिंग के साथ संयुक्त होते हैं, ध्यान रखना है। देखा होगा बर्फ के ऊपर चलता है ना, बर्फ के ऊपर दौड़ते हैं, बर्फ से नीचे पिसलते हैं ना, लकड़ी का होता है, पानी में भी उसको कुदा दिया जाता है, वो होता है स्केटबोर्ड। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहां मिलेगा, किसका उदाहरण है? जनसंचार का, समूह संचार का, अंतर व्यक्तिक संचार का, अंत व्यक्तिक संचार का। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहां मिलेगा, ये किसका उदाहरण है? गुड मॉर्निंग, अरे वो नहीं आता क्या जो बर्फ मेरी में चलता है, बताओ। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहां मिलेगा, मोनिका, पिंकी, विनीता जोशी जी गुड मॉर्निंग, सही आंसर है बी। अरे समूह संचार का है, सारी मधुमक्खियां भिन 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 करती रहती हैं और उनको पता लग जाता है दूसरी मधुमक्खियों को कि मधुरस या शहद कहां मिलेगा। तो याद रखना मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहां मिलेगा, एक प्रकार से समूह संचार का उदाहरण है। समूह संचार के अंतर्गत संदेश का आदान प्रदान प्राय एक के द्वारा सभी तक या सभी की सूचनाएं सभी को प्राप्त हो जाती हैं, ध्यान रखना है। तो ये समूह संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट पढ़ो, अब इसका आंसर पढ़ के देना है आपको, सब बच्चे पढ़ के करेंगे।
क्या आंसर आएगा बताओ। यदि तर्क वाक्य घर ईंट नहीं है को गलत मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सही हो सकता है? सभी घर ईंट है, कोई भी घर ईंट नहीं है, कुछ घर ईंट है, कुछ घर ईंट नहीं है। तो ये कह रहे घर ईंट नहीं है को गलत मान लिया जाए तो बिल्कुल सही क्या होगा? कुछ घर ईंट है, कुछ घर ईंट है, ये सही होगा। देखते ही आंसर होना चाहिए, इसका आंसर सही हो जाएगा डी, कुछ घर ईंट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है? गाजा, हुदूद भीमा, हुदूद भीम ओखी, गाजा हुदूद ओखी, गाजा भीम ओखी, बताइए। पिछले 5 वर्षों से भारत कौन से चक्रवात से परेशान है? बताने का प्रयास करें, पिछले 5 वर्षों में भारत कौन से चक्रवातों से परेशान है? सुदीप जी, राम राम भाई, राम राम। बताइए यार, एक बार शेयर भी कर दो यार क्लास को, भाई और बहनों यार। सी बिल्कुल सही है, गाजा हुदूद ओखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने, सी बिल्कुल सही जवाब। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत गाजा हुदूद ओखी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। गाजा चक्रवात तूफान बंगाल खाड़ी से उठकर नवंबर 2018 में तमिलनाडु, चेन्नई और नागपट्टनम जैसे बड़े आबादी वाले शहरों को मुख्य रूप से प्रभावित किया था। हुदूद उत्तरी हिंद महासागर में बना 2014 का अब तक का सबसे ताकतवर उष्णकटिबंधीय तूफान है। इसका नाम हुदूद नाम एक पक्षी के नाम से लिया गया है जिसका सुझाव ओमान देश ने दिया था। इस तूफान से आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ओखी चक्रवात 9 दिसंबर 2017 में गुजरात राज्य के सूरत जिले को मुख्य रूप से प्रभावित किया। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करें, इसको पढ़ लेना एक बार इसको रैपिडली पढ़ लो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको एक बार पढ़ ले। रोली यादव जी गुड मॉर्निंग, एक बार पढ़ लें सभी बच्चे इसको। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र है? गरीबी उन्मूलन, भुखमरी उन्मूलन, शहरीकरण को कम करना, शांति न्याय और मजबूत भागीदारी, विकल्प चुनना है, क्या आंसर होगा? बताइए सतत विकास का कौन सा लक्ष्य था? बच्चों मैं आपके हित के लिए बोलता हूं, ये जो व्याख्या है ना, मैं इसलिए बोलता हूं पढ़ने के लिए कि आपको थोड़ा सा पढ़ने से क्या है कि चीजें पता लग जाए, बस। डी वेरी गुड, बिल्कुल सही है, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी और शांति न्याय और मजबूत भागीदारी, डी आंसर इसका सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य की पूर्ति की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना था। ये लक्ष्य याद रखना, गरीबी को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य, जीवन स्तर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छे काम, आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचे, असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति न्याय और मजबूती, भूमि पर जीवन, पानी में जीवन, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ये 17 नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। पूछ सकता है सतत विकास का कौन सा 17 लक्ष्यों में शामिल नहीं था, तो ये 17 जो लक्ष्य हैं ये आपको मैं क्यों टाइप करवाता हूं, इनको क्यों टाइप करवाता हूं, आप लोगों के लिए तो टाइप कराता हूं कि भाई इनमें से बच्चों को पता लग जाए।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड्स में डेटा संगठित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। क्या सही आंसर हो सकता है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसको ओएस बोला गया है सूट में, इसका सही है ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। सही आंसर है इसका सी। सी इसका सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर केवल एक अनियंत्रित मशीन मात्र होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने युक्त सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कथन, ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है और मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SWAYAM जिसको हम बोलते हैं स्वम में शामिल नहीं है? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, भौतिक अंतःक्रिया, चर्चा मंच। क्या आंसर होगा बताइए? कौन सा शामिल नहीं है? स्वम जो ऐप है उसमें कौन शामिल नहीं है? स्वम ऐप में बिल्कुल सही है सी, भौतिक अंतःक्रिया। भौतिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्वम को तैयार किया गया ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल की घोषणा फरवरी 2017 को पेश आम बजट में की गई थी। 2017 के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। स्वम पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जिसको ई ट्यूटोरियल बोलते हैं। वीडियो एक्सप्लेनेशन, जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको ई ट्यूटोरियल बोलते हैं। खास तौर से तैयार किया गया अध्ययन सामग्री है, ठीक है। ई कंटेंट, जो कि डाउनलोड और मुद्रित की जाती है। परीक्षा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मूल्यांकन, परीक्षा और अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श अर्थात चर्चा मंच भी है, डाउट सेशन भी है इसमें। तो एक तो वीडियो सॉल्यूशन है, डाउट सेशन है और इसमें स्टडी मटेरियल वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब है। निम्न सौर मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक प्रावैग्नि विकिरणों से पृथ्वी तल पर जीव की रक्षा करती है। सही उत्तर चुनना है, सही आंसर चुनना है। क्या होगा? बताइए, सोच के आंसर करना, ये ज्योग्राफी वालों को तो गलत नहीं होगा। चंचल साहू, पिंकी, निशा, जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनका ये सवाल सही हो रहा है, जिनका नहीं है उनका गलत हो रहा है। अरे भाई, ओजोन परत सौर मंडल में नहीं पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, याद रखना है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है।
पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है ना। ओजोन मंडल, जो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ए, निम्न सोम मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय, गलत है, क्योंकि ओजोन का उच्च सांद्रण सोम मंडल नहीं अपितु ओजोन मंडल में होता है अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है, जो धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में जो होती है समताप मंडल का, उसी का पार्ट है ये, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपकी क्या करती है, रक्षा करती है, ध्यान रखना है। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था कि हमारे देश से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे देशों में काम करने के लिए तैयार है और हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो ये प्रतिभा पलायन की समस्या पर सबसे पहले किस आयोग ने ध्यान दिया था? बताओ, भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। नहीं, भारतीय शिक्षा आयोग ने ध्यान दिया था। सबसे पहले किस आयोग ने ध्यान दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग ने, ध्यान रखना है। भारत में घटित विभिन्न शिक्षा आयोगों में से सबसे पहले कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग ने प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया था। क्लियर? अगला है, मैथो मोगलोबिनिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मैथो मोगलोबिनिया होता है। अब यहां से सही चुनना है। क्या आंसर होगा? ए बिल्कुल सही आंसर है, दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है, ध्यान रखना है। दिए गए अभिघटन, मैथोमोगलोबिनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। यह रोग अधिकतम मामले में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में होता है जो नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग कर लेते हैं। इसे सामान्यतः ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के नाम से भी जानते हैं। जल में विद्यमान नाइट्रेट की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के उपलब्ध लोहे के फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है उसमें बदल जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को खो देता है। आंसर की बिल्कुल सही आंसर दिया है कि विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? क्या आंसर होगा? नहीं, इसका सही आंसर है AIU, AIU, याद रखना है।
मेरे मित्रों, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ध्यान रखना है। रीड करो इसको एक बार, पढ़ने का प्रयास करें। सभी मदन गोपाल पढ़ने का प्रयास करें। वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण में भी किया जाता है। क्या सही हो सकता है? बताइए। आंसर होगा ए, बिल्कुल सही है, भी सही है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली नहीं है, इसकी 50 से 100 मीटर मैक्सिमम रेंज होती है। 50 से 100 मीटर तक काम करता है ये, 50 से 100 मीटर ही काम करता है। तो देखो, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कोई भी फाइल या डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का विकास ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने किया और इसकी भौतिक दूरी रेंज बहुत कम, लगभग 10 मीटर से 50 मीटर तक ही सीमित की गई है। ब्लूटूथ डिवाइस अधिक से अधिक 60 डिवाइसों में कनेक्ट हो सकता है। इस प्रकार वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में पी सही और क्यू गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी 10:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास है, 10:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास है, ठीक है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। 10:30 नहीं, 11:30, 11:30 11:30 बजे है ज्योग्राफी क्लास, ठीक है मेरे परम मित्रों।